प्रभु जगन्नाथ गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद शेमकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी जन्म अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए तो मां मरू कि ना जत्ते बेले गोटे घर बाहर की ठाकुर डाकिला बेलू जे माई किना कोच थमक जानी मजरे से संडा भर्ती कर दो ला 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 मला काई से गोविंद गोविंद होउछ बा से गोविंद भाई पर सारा सहरटा खाली उठुची आउ पडुची हर राधा अरे मु कोन सेई गोविंद को जाकुची पूरा भगवान गोविंद को जाकुची हां से गोविंद गोविंद डाकी पछे बूढा होई जेबो जो कनेस्टेबल को सेई कनेस्टेबल होई कि रहइबो लाज नै तमको कोन से सकल काम हो चाहि देला कि जानी दिने काज पूरा बेकार जेबो जितने देखियो राउ 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 ए ए ए ओ टिफिन नै सेईटी पाउडर डियो कदले थवाई छी नै जेबो हला हां कौन कहिल पाउरुटी आउ कदळी काई रोसे सकाळ करनो कि ना ना मते आज समय हेलाने तो सेति बे करेनी काई कि मैडम सकाळ सकाळ समय हेलाने बुझी पेलि आ कथा कोन कि मो धर्म भाई पुअर जन्मदिन आउ सेति बे मु टिके सजवाज होतिले करिया को समय टिके हेलाने आउ मु तो स्वामी हां तू आगे मो कथा बुझिबु कोन कहू कौ मु धर्म भाई पुअर जन्मदिन से ठीक जी हाँ नौटा नुह कि छटा नुह केवल गोटे रूप रंग केमी कह सेठी केते नेता केते मंत्री आसी थे आ मु जदी टिके भल्ले से सजे बजे कि न जेबी लोके कोन कहबे कहलो आ तापर त गला हो कोन मैडम सेठी के जेबे नंबर आनीबे मु ऑफिस गला परे फोन न बसी रासलीला करबे हो कोन कहलो कोन कहलो तमर सास कम न त मु जा देखु छी तमे मते संदेह करू छो मैं संदेह काई करबी दुबो औरा जाळ बरबड़ को देगी बंदा बना करबी तू जो सती देखी होते अफिस जाऊ फोन बिजी के मल्ला फोन बिजी आसला बोले तम तो संदेह करिबे ना कोन चालुनी कहूची छुंची को कौन है नहीं तू तो मत नक नक गुड़िया कथा कही सारे मो मुह पर जवाब दूचु कहीं मु कौन कौट पल ना कौन बा हक हाथ धीरे बाई हाँ पर मु नाम नौ नहीं नहीं कौन कहल नाम नौ तम पुलिस मान गुमर एवं खोल नहीं नहीं खोल गुमर तमें पुलिस डिपार्टमेंट काम कर कौच आम लोक मान सेवा करुचु लोक मान सुरक्षा करुचु हेले मम्मी तो मर्डर केस आसामी को हाजत न पड़े कोल बस गेल करुल नाई कितु निरीह लोक मान हाजत पड़े बाड़े बाड़े मारी दौ जी कोटि कोटी टकर संपत्ति नहीं पड़ा तार तो तुम कि तुम डिपार्टमेंट पूरा आखि मुझे कि बसी आम सरकार कह आमे स्वच्छ शासन करुचु तू सब कहू मो चाकरी आम डिपार्टमेंट आम सरकार के विरोध में किसी कहबुन ना कहीं कहबी नाई ना कहीं कहबी तुम्हें आ तुम सरकार कले लीला आमे कले किला तुम सरकार का पावर अच्छे बोली से जहा ना से करे ना कौन आम सरकार कले कौन सरकार कले तुमर आम सरकार मुहरें टे लाज थी सीना ही था कथार नाई बेल जिया जो जन ताकू डरबे भगवान एते हेला पर कहच ना आम कौन कलु देखे आईनी ता काम करूची आमे आम काम करूचु हेडी थाउ बा तम आईनी तम पाखरे रख पोळुआ मेला पड़ी बड़ माछ चुआड़े जाऊची जाऊ छोट माछ को चापी के धरले तम काम सरिला आउ कौन माने माने को बुझे पर नबा एबे सारा ओडिसा रे चहल पकेई छी ममिता मर्डर केस हेले तम सरकार से कथा को चापी देबा पई एबे जो से कोन ग्रुप आसे केबीएन ग्रुप अमानिया बाघ तारी पछरे तम सरकार पड़ी छी मल्ला जहाँ को आग धरवा कथा ताकू धरुन
तुम नेता मंत्री कथा आसला बेलू तुम तो अंटी सुखी जाऊँ ना तू नक बहुत कथ कही शुण आम बैश वर्ष दल आम पर चलु जो तू जो चईनी चिकी नहीं बोलुनु से हाउ तुम्हारे नेता मंत्री मान जो नुह बा गरीब लोक मान तुम दरमा पाच कह आक तुम जुलम कर आज मुझे साधारण लोक मान जनदेवि तुम असल मुखाटा कौन देखिए किए तुम बचे तू कौन करू कहल तू बोलते जानू मो मु कार हाथ अच्छी बड़ बड़ अफिसर पर मो आगे आखि उठे अनई पार ना कौन कर मन रख आम पार्टी पावर हाँ मो धरम भाई आज आसु देखा तुम पार्टी खोलुची धरम भाई ना धरम स्वामी लो देखु ठेगा को पुलिस मोर घरे नु तो हां बेसी फड़ फड़ो नहीं नहीं कोन कहलो नहीं कोन कहलो तमे मते ढेंगा रे बाड़ेबो भाई मो धरम भाई आज आसु ता करे जे पैसा लबो तमे रहबो नले मु रहबी गतिमती कहीं ठीक लगुनी आ देखी सी कौ धरम भाई पाक जा धरम स्वामी पाक जा राधा भाई राधा भाई राधा भाई राधा रही जा अरे तोर तो कम सा सुनो हां पुलिस में आलो राखी हां नहीं नहीं तू के रे तू के मु होची तो धर्म भोणी रो धर्म स्वामी भिणे की चिन्ही पन्नु देखो राधा तुम बॉयफ्रेंड को कुआ मु संभाली कथा तो करबो नले मोटू के खराब अपनी कह दोची हां देबी जब जब ब्रह्मदेवडा तो ज्ञान हो जाई दिबी हां ओला कोना बॉयफ्रेंड मु तार एकमात्र स्वामी कांस्टेबल कानू चरण दळी कोन कहिलो बाड़ेबो बाड़ेलो देखि मो भाई को पुओ को जदी नाली कोठा न देखे देची ताहाले मन रधरणी न हां आ जा बा ये मते नाली कोठा देखेबो आ मु पर दिन को दी दी थोर नाली कोठा देखु जी तू कण मते अधिक देखिबु बुझिलो राधा एटा कांस्टेबल होई कि जदी एतिकी ताऊ जदी एसपी के डीएसपी आइ तांदा हां इंद्रचंद्र मानी न तांदा बा यांको स्वामी कहबो पुनी स्वामी अरे ये पर परर बकजब गुलाम टे जनता मानकर पैसा खाई नेता मानकर गुलामगिरी करूची ये फुनी स्वामी कौन कहलु मु नेता कर गुलामी करूची तोर एते सास हां ए से पुलिस गिटा तो थाना रे देखेउ एठी नुओ तू पुओ मते चिनिनु पूरा असंभाल कर देबी जानिछु तो काई तू को प्राइम मिनिस्टर ना मुख्यमंत्री बा असंभाल कर देबु तू किए बे मु विरोध दल नेता कर पीडी पीडी माने पर्सनल ड्राइवर अबे तू ड्राइवर डाई एते कोन नाली एक देखउ जबे हां तू आम विषय किछे जानिनु खाली कोन मु एका जानिछि सारा ओडिसा बाती सब जानिगलेनी जदि मु कहिबी राति पाई जीव कथा सरिबन खाली राधा भाबुची कथाटा आरंभ करबी मु को अबे जाबे आ विरोध दल वाला एते अनसन एते धर्मगत करकि हमर किछि करि पेलेनी तू गोटे विरोध दल ड्राइवरटा तू कोन टाडिबु हां भाई जे चोर घंटो बदमाश ए माने दिन राति तांको सैल्यूट मारुचंती आ से माने यांको घंटो घडे रखुचंती औ निरीय लोक मानक हाजत रे बाड़े बाड़े मारि दौंट से बाबा किए कौन कहले भाई मुझे गोटे कथ बुझी से मत पावर दे किए किए से ये शासक दल साहस बलिया नौ ना सब नीति नियम को माड़ मकुच धनी नेता मंत्री को सुरक्षा दबा हूँ मुख्य कम कौन शासक दल कथा कहलु आम शासक दल कौन कर तुम कौन कर मन शांति कह तुम्हें पूरा सरकारी कर्मचारी शासक दल प्रचार पर अटो बस पोस्टर मारे तो मुझे लज्जा लगुनि कौच कौन आलु जो मैंने निजर टिके स्वार्थपाई निजर स्वाभिमान को से नेता मंत्री के आगे बिकी दौंट अरे से मुँह को लाज लगे कौट हाँ अरे हे ये तो भाई ना धर्म घईता हे भगवान तुम पार्टी कमी कह तुम खराब लगुनि ना दादा या पाखे मोर इज्जत बोले आज किसी ना देख भी मुझे आस जमा कांदबुनि मु अच्छी माने तोर कहा को डरिवार ना ये कांस्टेबल टा कौन करिवो मु भी देखिबी आसची मु पुआ कने तमरा अभिजोग टा कौन
ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ। ଆମ ଘର ଗଳିରେ ବାହାର ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଶିଖେଇକି ମୋ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ସେ କିଏ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ଏମିତି ଦୁଃସାହସ କଲା? ସେ କଣ ଜାଣିନି ଆମ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ? ଭାଇ, ରଣନୀତି ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି। ଓହୋ, ଏକା କଥା ଆଉ ଚାପି ଦେ। କୁହ କନେ, କିଏ ସେ ମୂଷା ଯେ ତମ ମରେଇରେ ପଶି ଖୋଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କାଠିଆ। ହଇରେ କାଠିଆ, କନେଇ ଯାହା କହୁଛି କଣ ସତ କଥା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କଣ ତା ଘରେ ପଶିକି କଣ ଗାତ ଖୋଳିଲୁନି? ତମେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ହେଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଛ? ନାଇଁ ହଜୁର, ସିଏ ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଧରମ ଭାଇ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ହଜୁର, କଥାଟା ପୁରା ଗଭୀରେ ଅଛି। ସାର୍, ଏ କାଠିଆର ବଡ ବଡ ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଘର ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ମତେ ଉଡେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆର ଯଦି ସଠିକ ବିଚାର କିଛି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କିରୋସିନି ଢାଳିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥାଟା ପକେଇଛ ମାନେ ତମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ହଜୁର, ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆପଣ ଏବେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କାଠିଆ, ଆଜ୍ଞା, ତୋର ଆଉ ଏ ରାଧା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ମାନେ, ନାଇଁ ମାନେ ସାରଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, କଥା ତା ଦେହକୁ ନେବେନି, ସମାଧାନଟା ବାହାରେ ବାହାରେ ଆମେ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଯାଏ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଗଲିଣି? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ନେବି ଜାଣିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ସେ ରାଧାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କେମିତି? ମଲା, ଆମେ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେତେ କ'ଣ ମଜା କରିଛୁ, ଆଉ ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି ବି ଖେଳିଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ ଯେ, ହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ଏଠି କହିହେବ? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ମରଣ ହେଲାନି କାହିଁକି ଜାଣି? ମଲା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଯେ? ତମେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବି ଯେ? କାହିଁ, ତମର ଯୋଉ ଧରମ ଭାଇ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ତମକୁ ରଖିବନି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବାକୁ ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା କହିଲେ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧରମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲାଣି? ଇଏ ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିଯାଇନି ତ? ଆପଣ ନଈ ନ ଦେଖୁ ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଯେ ସତ କଥାଟା କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସତ କଥା, ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା କନେଇ, ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ତମେ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ସଜେଇ ହେବ, ଏକଥା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରେ? ସନ୍ଦେହ କରିବା ମହାପାପ। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମ ଗାଁରେ ଆଜି ସଭା ବସିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କାଠିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ହିସାବରେ କରିଦେଇଛି, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ, ନହେଲେ ଜାଣିଛ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରି ସେ କେସ୍କୁ ରଫା ଦଫା କରିଦେ। ସାର୍ କେମିତି? କ'ଣ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛ ଜାଣିପାରୁନ, ଆମେ ସେ ମମିତା କେସ୍ କେମିତି କହିଲୁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେରଫେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ସେ ଅସଲ ଆସାମୀକୁ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେଇଛୁ ପରା। ନହେଲେ ଦେଖୁନ, FIR କପି ଦେବାର 3 ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କାହିଁକି ଫାଇଲ୍ କରାଗଲା? ସେଥିରେ ବିତିରିକଳ ଅଛି ନା, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବୁ ଯେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ଯେଉଁ ହାଜତରେ ଲୋକଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ହେବନି। ଆରେ ନହେଲେ ବେପାର ହେବ କେମିତି? ନହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଆର ଥରକୁ ତୋ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏମିତି ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ତାହେଲେ ଏ କଥାଟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ?
ଆମେ ଏମିତି ଦୋଷାରୋପ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଏ କଥାଟାର ସମାଧାନ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ କନେ, ତମେ ଆମ ଦଳର, ଇଏ କାଠିଆ ବି ଆମ ଦଳର, ତେଣୁ କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ କିଛି ଭଲ ହବ। ତମର ବଦନାମ ହବ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ବଦନାମ ହବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ତମେ ଇଏ କଥାକୁ ମନରୁ ପୋଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲ ଏବେ ସେମିତି ଚଳ ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।